खबर पूरनपुर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर आसाम हाईवे पर ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात का तालाब स्थित था, जिस पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा बाउंड्री निर्माण कर तालाब पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। लगातार शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरनपुर एसडीएम ने तहसीलदार ध्रुव नारायण को जांच के आदेश दिए थे, जिस पर एक टीम गठित की गई थी। इस दौरान तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसे आज पूरनपुर तहसीलदार ध्रुव नारायण, क्षेत्रीय लेखपाल अनिल चौधरी कानूनगो और प्रधानपति फयाज हुसैन की मौजूदगी में बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। पूरनपुर बिलवी से हिकमत शाह की रिपोर्ट। टीम में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, क्योंकि अभी कोई सामने तो आया नहीं है कि मतलब इस पर हम काबिज हैं, इसलिए जो अवैध निर्माण कराया गया था उसी को ही धराशायी किया गया। सिर्फ यही होगा या मतलब जो अवैध निर्माण, नहीं जहाँ पर भी अवैध निर्माण, अभी तो ये शुरुआत है, प्रारंभ है, और शासन प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी इस तरीके के कार्य हैं, जो अवैध निर्माण किया गया है, लोगों को, जनता को परेशानी हो रही है, उनको बहुत ही जल्द जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो ये क्या पूरनपुर देहात क्षेत्र में आता है? ये पूरनपुर देहात क्षेत्र का हिस्सा है। हाँ, और कौन सी तालाब है?